नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैंने ये देखिए प्याज काटी है, मिर्च काटा है, और ये क्या कहते हैं जीरा वगैरह है, और ये एग है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एग की भुजिया। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, साथ में ये कटी प्याज डाल दी है। इसमें ऐसे ही रफली काट लेना है, ज़्यादा मतलब महीन या मोटी नहीं करनी है। तो इस तरह से मैंने अदरक डाल दी इसमें। अदरक डालने के बाद हरी मिर्च जो काटी थी पतली पतली काटनी है, थोड़ी मोटी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और उसके बाद ज़ीरा डाल दिया है, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और हल्का सा इसको स्लो पे करके भूनना है। तो यहाँ पर प्याज ज़्यादा नहीं भूननी है, बस जैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है उसके बाद एक एक एग फोड़ के मैं डाल दूँगी इसमें। तो पहले एक एग फोड़ के डाला है तो इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट डाला, अब इसको भी मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इस तरह वन बाय वन करके मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। तो देखिए वन बाय वन डालने से कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है और भुनता जा रहा है साथ में। ये देखिए अब मैंने टू टू डालना शुरू कर दिया। देखिए टू डाला है अभी, नेक्स्ट बैच में मैं थ्री डाल दूँगी तो उससे थोड़ा सा सॉगी होने लगा। ये देखिए वन गया, टू गया और ये थ्री गया। तो टू पहले, जस्ट पहले टू डाला था, फिर नेक्स्ट बैच में फिर थ्री डाल दिया तो देखिए थोड़ा सॉगी होने लगा। तो इस स्टेज पे मुझे लगा कि शायद मुझे रिफाइंड ऑयल डालना पड़ जाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि कढ़ाई जो है मेरी काफ़ी मोटे उसकी बनी हुई है चद्दर की। तो इसमें क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा मैंने फ्लेम बढ़ाया और लगातार कलछल से चलाती चली गई तो ये धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो गया। और कलछल बराबर मैं चला रही थी तो ये कढ़ाई में नहीं लग रही थी। और देखिए कुछ समय बाद जब ये है और ड्राई हुआ तो ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया एग ने। जो ऑयल डाला था मैंने प्याज के समय तो वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब मैं बराबर चला रही हूँ लगातार, मतलब एक सेकंड भी मैं रुकी नहीं, और किनारे किनारे का स्क्रैच करते हुए। और इस समय फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम पे कर ली है, मतलब हाई कर ली है। और आपके सामने देखिए कहीं भी स्किप नहीं किया मैंने वीडियो, और लगातार मैं इसको चलाती जा रही हूँ। और देखिए धीरे धीरे इसके टुकड़े, जैसे कहते हैं ना, टुकड़े से बनने शुरू हो गए हैं हर जगह अलग अलग। तो ये टुकड़े अभी बने थोड़े बड़े बड़े, फिर ये ग्रैन्यूल्स टाइप में हो जाएंगे, थोड़े बड़े ग्रैन्यूल्स। और देखिए कहीं भी अब लग नहीं रहा है कढ़ाई में। ये कढ़ाई ही मेरी बहुत अच्छी है, इसमें कुकिंग मेरी बहुत ईजी हो जाती है। वरना अगर मैं पैन निकालती ना तो सचमुच में आज ये कबाड़ा होने वाला था। लेकिन देखिए कितना अच्छा सा भुन गया है, ऑयल रिलीज़ कर दिया सब एग ने और ग्रैन्यूल्स फॉर्म में हो गया। देखिए अलग अलग प्याज अलग दिख रही होगी, उसके टुकड़े प्याज के, और मिर्च तो खैर नहीं पता चल रही है, अदरक तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगी। तो प्याज दिख रही है, प्याज के अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं और एग ने ग्रैन्यूल्स फॉर्म ले लिया है। अब देखिए सब, अब ये स्टेज आ गई है कि अब मैं नमक डाल दे रही हूँ। अब नीचे नहीं लग रही है कढ़ाई में, बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा है।
और ये कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी। तो कलर ऐड करना होता है, नहीं तो ऐसे फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि मेरे पास हरी धनिया थी नहीं, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डालना बेटर समझा, क्योंकि इसमें हल्दी तो डाली नहीं जाती है। और देखिए बिल्कुल ऑयल रिलीज़ हो गया। अब ये स्टेज आ गई है कि जो ऑयल रिलीज़ हुआ है अब उसी से ही ये भुन रही है। तो अब सेकेंड बैच में ये भुन रहा है, तो इसको भूनना भी है। अब भूनने के बाद फिर ये एग थोड़े थोड़े श्रिंक होंगे और फिर ये खाने वाले फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा और अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। ये मैंने करीब 8 एग डाले थे। अब यहाँ देखिए मैं भिंडी ले आई प्रेस से निकाल के, और ये 3 आलू। आज भिंडी और आलू की मुझे भुजिया बनानी है, मिक्स करके बनाऊंगी। तो इसके लिए भिंडी के ऐसे ही 4 पीस कर ली, ऊपर नीचे का निकाल के, और ऐसे ही 4 पीस कर लिया भिंडी का, और जो बड़ी है उसको बीच से कट कर लिया। तो इस तरह से भिंडी, सारी भिंडी मैं काट लूँगी और आलू के भी लंबे लंबे और थोड़े पतले टुकड़े कर लिए इस तरह से। अब चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने बेसन निकाला है और थोड़ा बेसन मैंने भिंडी पे डाला, थोड़ा आलू पे डाला। बेसन डालने के बाद फिर मैंने हल्दी डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाली, दोनों पे हल्दी डाली और नमक डाला। ये देखिए दोनों पे अलग अलग मैंने डाला है। अब मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि मसाले और जो नमक हैं सब अच्छे से एक एक टुकड़े पे मिल जाए। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और ये प्याज भी मैंने काट ली थी। अब जो आलू मैंने मिक्स किया था बेसन में, पहले उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से सब इकट्ठे मैंने डाल दिया, क्योंकि ऑयल अच्छा डाला था ना मैंने। अब ये फ्राई करते करते भुनेगा भी और पक भी जाएगा, एक्स्ट्रा बाद में पकाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये फ्राई हो गया और मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। अब ये भिंडी डाल दी, तो भिंडी ये सब मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने स्लो कर दिया ना तो मैं ये भिंडी और आलू जैसे क्या होता है कि ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हाई फ्लेम पे ही भूनना है। और इस तरह भिंडी भी भुन गई और पक भी गई, तो इसको भी मैंने निकाल लिया। अब ये ऑयल काफ़ी कम हो गया है, तो अब इसमें मैंने ये कटी वाली प्याज और लहसुन डाल दिया है। प्याज और लहसुन काट लिया था मैंने, अब इसको अच्छे से भून लेना है। और वही ट्रांसपेरेंट जैसे होगा प्याज, तो फिर मैं सूखे मसाले डालना शुरू करूँगी। तो ये मैंने पिसी धनिया डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, जीरा डाला है और नमक डाला है। तो आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो मैं जो तीखी वाली मिर्च है उसका पाउडर बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये कम तीखा होता है और अच्छा सा कलर भी ऐड करता है खाने में। तो आजकल इतने ही तीखे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तीखापन अच्छा नहीं लगता और सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्याज भी डाल दिया जो काटी थी प्याज, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, इतना भूनना है। उसके बाद फिर ये तले हुए आलू और भिंडी डाल देनी है। अब ये भिंडी और आलू तो पक ही चुके हैं और प्याज जैसी मुझे चाहिए थी सॉफ्ट वैसे हो गई है। अब इस तरह से सब मिक्स कर दिया अच्छे से,
अब मिक्स होने के बाद दो चीज़ें और बची हैं डालने को। एक है पंचफोरन मसाला, जो मेरे पास हमेशा पिसा रखा रहता है इन्हीं सब सब्जियों के लिए, भिंडी विंडी के लिए, तो वो मैंने डाल दिया, और थोड़ा अमचूर का पाउडर डाल दिया। तो इसको डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर दिया, और गैस स्लो पे थी, तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो इस तरह से ही लाजवाब भिंडी आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई। और यहाँ देखिए, सब काम करने के बाद थोड़े बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं इसको भी, क्योंकि हमेशा मैं खाना बनाते हुए दिखती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को लगता होगा जैसे मैं कुछ और काम करती हूँ। नहीं भाई, मैंने कोई मेड वेड नहीं लगा रखी है, खाना तो मैं बनाती हूँ और बर्तन मैं करती हूँ, दोनों समय के बर्तन कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सब मैं करती हूँ। और जो पोछा है वो तो मैं खैर उससे लगाती हूँ ना, जो आजकल के मॉप आते हैं उसी से कर लेती हूँ, तो फटाफट हो जाता है उससे। कई बार सोचा कि मैं रख लूँ झाड़ू पोछे के लिए, तो मुझे लगा कि इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। मॉप ने जो मतलब काम आसान कर दिया बिल्कुल। और फ्लैट में आपको पता ही है कि बिल्कुल धूल वगैरह आती नहीं है, तो झाड़ू का काम भी बहुत हल्का है, सिर्फ एक बार फेरना होता है, ऐसी कोई धूल वगैरह नहीं निकलती है। हाँ, थोड़ा डस्टिंग का काम रहता है, जैसे डस्टिंग होती ना ऊपर की तरफ, जैसे टेबल वेबल पर डस्ट बैठ जाती है दीवारों पर हल्की, वो काम रहता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ। और जैसे रैक वगैरह साफ़ करनी है, किचन की रैक वगैरह साफ़ करनी है ऊपर का, जो गंदा हो जाता है ऑयल ऑयल से, तो वो सब साफ़ करना होता है, चिमनी साफ़ करनी होती है। बाकी झाड़ू पोछा तो बहुत आसान कर दिया अब झाड़ू पोछा का कोई टेंशन नहीं, और बर्तन खुद के धुले अच्छे लगते हैं, दूसरों के धुले में तो बस